नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज की सबसे बड़ी खबर ये दो है। पहला तो केमिकल वॉर, किसने कहा कि रशिया ने केमिकल वॉर करना शुरू कर दिया है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। कौन सा वो मुल्क है जिसने कहा है कि केमिकल वॉर रूस ने शुरू कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने वाले वो है काउंटर अटैक, और ये काउंटर अटैक किया है अमेरिका की तरफ से इन दोनों के ऊपर, ये बड़ी खबर है। हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, क्योंकि अब से कुछ घंटों के अंदर एक मेगा इंटरव्यू, इट डजंट गेट बिगर देन दिस, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। काउंटडाउन नॉनस्टॉप चल रहा है, 4 घंटे 3 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राउंड टेबल इंटरव्यू एंड 5 एडिटर्स, ये बहुत बड़ा इंटरव्यू हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वापस आते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक तरफ केमिकल वॉर, दूसरी तरफ काउंटर अटैक। पहली ब्रेकिंग, सेंट्रल गाजा में इजराइल का नॉनस्टॉप अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हमास के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स का हमला। यह देखिए एमएन साहब, रिहायशी इलाके के नजदीक भयंकर बमबारी की गई है। हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सेंट्रल गाजा में इजराइल का हमला, रिहायशी इलाके के नजदीक भयंकर बमबारी। दूसरी ब्रेकिंग, सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स, एक साथ अटैक कर रहा है इजराइल। खतरनाक विजुअल से जबाल बलाट में गाइडेड बॉम्ब से हमला किया गया है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। इजरायली हमले में हिजबुल्ला के लॉन्च पैड जमीन दोज हो गए, ये बड़ी खबर राहुल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, एक दिन पहले हिजबुल्ला ने दागे थे यहीं से रॉकेट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ गाजा में अटैक और दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने दागे रॉकेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, डोनेस में रूसी बीएमपी के ओड़े पर खर्चे, ब्रेक करिए दिखाइए जरा। आर्टरी अटैक में रूसी आर्मर्ड व्हीकल तबाह, ये देखिए जरा, धमाके के बाद बीएमपी 1 में लगी भीषण आग, ये देखिए, ये डोनेस की खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये रूसी हमले से दहला यूक्रेन का ओडेसा, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। नोवा वेयरहाउस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, ये देखिए जरा, रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी वेयरहाउस, पश्चिमी हथियारों के गोदाम पर टारगेट किया गया। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, ओडेसा में रूसी हमले से तबाही, ब्रेक करिए जरा, ओडेसा के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, ये देखिए जरा, नोवा पोश्ता कंपनी का गोदाम हुआ खाक, नोवा पोश्ता के कई कर्मियों की मौत। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों वीडियो दिखाइए, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ओडेसा में हथियारों के गोदाम पर अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर, पेरिस में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो के साथ। हिंसक झड़प में 100 पुलिसकर्मी घायल, ये देखिए जरा। आमिन साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। पेरिस में टिकर में खबर अपडेट करें, पेरिस में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े, ये देखिए जरा। और फ्रांस में पेंशन कानून को लेकर जो तनाव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें बदलाव को लेकर ये मांग है और ये प्रदर्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, तुर्की में विपक्ष का हिंसक प्रदर्शन, ब्रेक करिए जरा। इस्तांबुल में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष, ये देखिए जरा। आमिन साहब, इस्तांबुल में मई दिवस परेड बैन करने का विरोध, पुलिस ने विपक्षी प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, बुल्गारिया में एक नेता पर पिस्तौल से हमला किया गया, ये देखिए जरा, भाषण के दौरान हुआ सनसनीखेज हमला, ये देखिए जरा। पिस्टल फेल होने की वजह से बची जान, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से प्ले करिए।
ये देखिए बुल्गारिया की खबर, ये देखिए पिस्टल फेल होने की वजह से ये हुआ है, हमला नाकाम। ये देखिए ये पिस्टल लेकर आया और बुल्गारिया में एक नेता को मारने की कोशिश की गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा बड़ा हैरान करने वाला वीडियो, फिर से दिखाइए इसको, जरा फिर से प्ले करिए। ये देखिए बुल्गारिया में पिस्टल से हमला किया गया लेकिन पिस्टल फेल हो गई और वहां पर ये देखिए जरा और किस तरीके से भाषण के दौरान हुआ। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, ये बहुत पुराना वीडियो है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जो मेरे पास जानकारी आ रही है वी स्टैंड करेक्टेड, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दूं, जो चार बड़ी खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही है सीधे दिखाइए। यूक्रेन से अमेरिका संकट काल, जो इस वक्त हमारे सामने दिखाइए जरा चारों तस्वीरें। यहां पर रूस यूक्रेन जंग में केमिकल हथियार, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अमेरिका ब्रिटेन की हूती पर बमबारी, बड़ी खबर। पोलैंड में रूसी सीमा पर नेटो की तैनाती। आज रात यूएस यूनिवर्सिटी में कुछ बड़ा होगा, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। सीधे आइए राहुल, इसी के साथ लीजिए हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सभी के पास चलिए। हमारे जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे साथ सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो मेरे खास मेहमान, अब जो हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले, मेरे सबसे पहले है मेरे साथ जनशंकर प्रसाद सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए, रूस ने किया केमिकल वेपन से हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सेना पर घातक क्लोरोप्रिकिन के इस्तेमाल का आरोप, यह देखिए जरा। यूक्रेनी सेना पर केमिकल वेपन से किया गया हमला, टीयर गैस म्यूनिशन में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल। केमिकल वेपन मामले में अमेरिका ने 280 लोगों पर लगाया प्रतिबंध। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, कैंप 4 पर लेंगे। अमेरिका ब्रिटेन के हमलों से थर्राया हूती, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड पर हमला किया गया। यमन के सादा पर अमेरिकी ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन का हमला। अमेरिका ब्रिटेन के फाइटर जेट ने बरसाए बम। एक और फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, रूस में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रियाजन ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक हमला, ड्रोन स्वर्म हमले से रिफाइनरी में लगी भीषण आग। रूसी ऑयल प्लांट को यूक्रेन लगातार कर रहा है टारगेट, साउथ वेस्ट यूक्रेन में 20% ऑयल फैसिलिटी को बनाया निशाना। एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए, सीधे आइए बड़ी खबर, कैंप 4 पर हिजबुल्ला ने किया इसराइल पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। कमांडर अबू हैदर की मौत से भड़का हिजबुल्ला, फिलिस्तीन बॉर्डर पर भारी बमबारी। आईडीएफ के खिलाफ हिजबुल्ला के 4 बड़े ऑपरेशन, बिरानेट, मेटुला, शतुला में किया रॉकेट हमला। चारों ब्रेकिंग और चारों शॉट दिखाइए राहुल जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे साथ आज की पहली बड़ी खबर जो दिखा रहा हूं मैं सीधे राहुल, कैंप 4 पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से थर्राया हूती, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड पर हमला। यमन के सदा पर अमेरिका और ब्रिटेन का हमला।
अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट ने बरसाए बम। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए बड़ी खबर, यहूदी का जो अटैक है वो देखिए जरा। सीधा आईएस के फ्लोर पर जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए अमेरिका ने बड़ा अटैक किया है, क्या क्या डिटेलिंग हमारे पास आ रही है ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से हूती थर्रा गया है, ये जो जानकारी आ रही है। हूती पर हमला हुआ है, थर्राया यमन, ये देखिए जरा। हूती के कब्जे वाले यमन के इलाकों पर अमेरिका की भीषण बमबारी। यमन के सादा में अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट ने बरसाए बम। हूती के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड पर भीषण तबाही का दावा किया गया है। 72 घंटे में 6 से ज्यादा वॉरशिप और कार्गो शिप पर हमले की कोशिश। 72 घंटे में यूएस यूके ने हूती की 10 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर दिया। हूती पर अमेरिकी ग्रुप के अब तक करीब 455 बार हवाई हमले हुए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग राहुल लेंगे। रेड सी में हूती करेगा विनाशकारी हमला, ब्रेक करिए जरा। साउथ इसराइल में विनाशकारी हमले का प्लान, रेड सी, अदन और हिंद महासागर में हमले का नया प्लान। अमेरिकी डील ठुकराने के बाद पलटवार की तैयारी। न्यूज एजेंसी सवा के जरिए हूती की वार्निंग। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, उससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, और बगल में इसके ब्रेकिंग दिखाइएगा पहले वाली। हूती की तैयारी, रेड सी में हमला विनाशकारी, ये देखिए जरा। हूती का साउथ इसराइल में विनाशकारी हमले का प्लान, लाल सागर, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में तबाही का नया प्लान, यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। अमेरिकी गुट पर पहले से ज्यादा विध्वंसक हमले का हूती ने किया ऐलान, यह बड़ी खबर है। अमेरिकी प्रलोभन ठुकराने के बाद हूती कर रहा है पलटवार की तैयारी। समाचार एजेंसी सवा के जरिए अमेरिकी गुट को हूती ने दी वार्निंग। अमेरिका ब्रिटेन की किसी भी साजिश का करारा जवाब देगा हूती, यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे राहुल इसी का फ्लोर लीजिए, फिर दोनों शॉट लीजिए और फोर ब्रेकिंग को भी लीजिएगा। मैं सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर बड़ी खबर है, हूती ने डिसाइड कर लिया टू गो ऑल आउट, अमेरिका काउंटर अटैक कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अब एक एंडलेस गेम ऑफ सुप्रीमेसी चल रहा है। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट निशांत, ये गेम एंडलेस चल रहा है, रोज नई खबरें आती हैं। एक दिन खबर आती है कि हूती बहुत अटैक कर रहा है रेड सी के अंदर, दूसरी तरफ आती है कि इतने हवाई हमले हो गए यमन के ऊपर, हूती के ऊपर वहाँ काफ़ी नुकसान हो गया। असली बात समझने की ये है निशान कि लड़ाई शुरू हुई है गाजा फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल बेस्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास एंड रिलीज ऑफ होस्टेजेस, लेकिन इसके साथ साथ बढ़ते बढ़ते अभी लड़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ईरान का और इसराइल का मुठभेड़ हो चुकी है, उसकी रोज़ कहीं ना कहीं से वार्निंग आ जाती है। एक तरफ हूती आपने देख लिया जिस तरह आपने अभी डिस्क्राइब किया, कुछ देर पहले आपने बताया कि हिजबुल्ला के संग बड़ा ज़बरदस्त एक्सचेंज चल रहा है, हिजबुल्ला इसराइल के अंदर फायर कर रहा है। सो दी होल प्रोसेस नीड्स टू हैव अ मेजर न्यू अप्रोच, और नई अप्रोच केवल एक ही है कि इस समय द ओनली ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट द वर्ल्ड पावर्स इज़ टू समहाउ स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस वॉर, और ये स्प्रेड करती जाएगी, चलती जाएगी, लोग मरते जाएंगे, लेबनान में नुकसान होगा, यमन में नुकसान होगा, इसराइल के अंदर भी नुकसान होगा, पैलेस्टाइन गाजा के अंदर नुकसान होगा, और खुदा ना खास्ता हो जाए शायद ईरान में भी कोई नुकसान ना हो जाए। सो इस समय सब लीडर्स को ये सोचना चाहिए कि किसी तरीके से सीज फायर हो और बात दोबारा लौट कर आए अबाउट रिलीज ऑफ होस्टेजेस एंड फिनिशिंग हमास को ख़त्म करना का तो कस्ता ख़त्म हो चुका, अब वो तो ख़त्म होगा नहीं, अभी तक नहीं होता, अब क्या होगा। सिर्फ बात रह गई है एक सिंगल पॉइंट इशू कि होस्टेजेस को किस तरह रिलीज़ किया जाए, उसके बारे में सीज फायर करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से लड़ाई काफ़ी हो चुकी है इस समय, कोई पॉइंट आप देख रहे हैं कि इसराइल के अंदर भी कितना डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। सो आई थिंक सैनिटी डिमांड्स, आई थिंक मेच्योरिटी डिमांड, आई थिंक स्टेट्समैनशिप डिमांड्स दैट समहाउ द फोकस मस्ट शिफ्ट बैक टू द होस्टेजेस। सर बी विद मी, मैं आपको एक और डिटेलिंग देने जा रहा हूं, बी विद मी राहुल। अब जरा हम यहां से मूव ऑन कर रहे हैं रशिया की तरफ, यहां से केमिकल वॉर ये खबर आने वाली है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, रूसी सेना पर अमेरिकी मिसाइल का कहर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
ATACMS मिसाइल से यूक्रेन का विध्वंसक हमला। लुहांस में मारे गए 100 से ज्यादा रूसी सैनिक। अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन ने दागे क्लस्टर म्यूनिशन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। अमेरिका के ऊपर ATACMS से अटैक शुरू हो चुके हैं, ये देखिए जरा। 100 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए, ये जानकारी आ रही है। लुहांस में मारे गए 100 से ज्यादा रूसी सैनिक। अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन ने दागे क्लस्टर म्यूनिशन। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे राहुल। सीधे आइए, बड़ी खबर ये देखिए। अमेरिकी मिसाइल से रूस पर हमला, बड़ी खबर। यूक्रेन ने अमेरिका के ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, बड़ी खबर आ रही है। लॉन्ग रेंज मिसाइल ATACMS से रूसी बेस पर हमला किया गया, यह जानकारी है। लुहांस में ATACMS के जरिए क्लस्टर म्यूनिशन गिराए गए। रूस के ट्रेनिंग ग्राउंड को पूरी तरह से तबाह किया गया है। अमेरिकी मिसाइल से हमले में 116 रूसी सैनिकों की मौत हुई है, यह जानकारी आ रही है। इस वक्त के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा राहुल। कैंप 4 पर इस खबर को लेंगे, बड़ी खबर। रूस के पास नेटो की विध्वंसक वॉर ड्रिल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड में रूसी बॉर्डर के पास नेटो की ड्रिल, रूसी बॉर्डर के पास तैनात हो रहे विध्वंसक हथियार। 6 मई तक रूस के पास 32 देशों की वॉर एक्साइज। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नेटो की वॉर ड्रिल। राहुल सीधे आइए, इसे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा, ये बड़ी खबर है। पोलैंड में नेटो ड्रिल, रूस से जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये देखिए। पोलैंड में नेटो ड्रिल, रूस से जंग की तैयारी, और बगल में ATACMS वाली खबर दिखाइएगा राहुल। रूस के पास पोलैंड में नेटो की विध्वंसक वॉर ड्रिल, रूसी बॉर्डर के पास 4 से 6 मई तक नेटो की ड्रिल का अगला चरण, ये देखिए। रूसी बॉर्डर के पास तैनात टैंक और लॉन्ग रेंज मिसाइल एयरक्राफ्ट। एक्सरसाइज में 32 देशों के 90,000 सैनिक। उत्तर पूर्वी वामियान, मसूरियान, वाइवोडीशिप में होगा अभ्यास। ब्रिटेन के 16,000 सैनिक वॉर ड्रिल के लिए आएंगे पोलैंड, यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर। सीधा आइए, मेरे पास जो जानकारी आ रही है, अब मैं केमिकल वॉरफेयर को लेकर आपको डिटेलिंग दे रहा हूं। केमिकल वॉर की खबर दिखाइए राहुल, यहां पर सीधा आइए। अब मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल वॉर को लेकर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, दिखाइए राहुल ऑन द टेलीप्रॉम्प्टर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। केमिकल वॉर को लेकर आज की जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, वो ये है कि किस तरीके से रशिया के ऊपर आरोप लगा है केमिकल वॉरफेयर का, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूस ने किया केमिकल वेपन का इस्तेमाल, बड़ी खबर। रूस ने क्लोरोप्रिक्रीन का इस्तेमाल किया। रूस ने किया केमिकल वेपन से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, रूसी सेना पर घातक क्लोरोप्रिकिन के इस्तेमाल का आरोप। यूक्रेनी सेना पर केमिकल वेपन से किया हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए जरा। केमिकल वेपन, रूस पर सैंक्शन, ये बड़ी खबर है। रूसी सेना पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूसी सेना ने क्लोरोप्रिकिन का इस्तेमाल किया, यह जानकारी आ रही है। टियर गैस म्यूनिशन में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया गया, बड़ी खबर आ रही है। केमिकल वेपन से जुड़े मामलों में 280 लोग और संस्थान पर बैन है। जहरीला गैस क्लोरोप्रिकिन का इस्तेमाल पहले वर्ल्ड वॉर में हुआ था, यह बड़ी खबर है।